दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और एक बार फिर मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर आपके साथ। वीडियो में मैं चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर, क्योंकि हरियाणा का चुनाव डिक्लेयर हो चुका है। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा और पता चल जाएगा कि किसकी हवा चलेगी और किसकी हवा निकलेगी, क्योंकि राजनीति के अंदर होता है जिसकी हवा चलती है वो सत्ता के मुहाने पर होता है और जिसकी हवा निकलती है उसको पतली गली से बाहर हो जाना पड़ता है। यानी कि 4 अक्टूबर को तय हो जाएगा कि हरियाणा किसका। जनता तो तय कर देगी 1 अक्टूबर को ही अपना मत का प्रयोग करके, लेकिन उन मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी और 4 अक्टूबर को ही तय हो जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूं कि पिछले दिनों यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी यानी कि नैलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है ये हरियाणा के अंदर तीसरी ताकत बनेगा। अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि उनकी पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल आगे प्रयास करेगी कि चाहे उनको अपनी सीटों में से कुछ सीटें देनी पड़ जाएं, हरियाणा के अंदर एक तीसरा मोर्चा खड़ा किया जाए। उन्होंने कहा था कि हम समान विचार वाले दलों के साथ में समझौते करके इस गठबंधन को बड़ा आकार देंगे। मैं आपको ध्यान दिलाता चलूं कि जब ये बातें सारी हुई थी तो लोगों के जहन में आया था कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां आ सकती हैं। लोगों ने बात की थी कि क्या जननायक जनता पार्टी भी हिस्सा हो सकती है, लेकिन लोग सिरे से उसको नकारते भी थे क्योंकि जेजेपी और इनेलो के बीच खटास इतनी है कि उस दूरी को पाटना मुश्किल है। बात चलती थी आम आदमी पार्टी क्या इस गठबंधन में आ सकती है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार हरियाणा में घूमती हैं, ऐलान करती हैं कि 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोगों को उम्मीद बनी थी कि क्या इस गठबंधन के अंदर जो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं उसके अंदर क्या मराठा वीरेंद्र वर्मा की पार्टी भी शामिल होगी, यानी कि शरद पवार वाली एनसीपी। क्योंकि लोगों को ध्यान था और आपको भी ध्यान होगा कि जब कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने पहुंचे थे अभय सिंह चौटाला तो मराठा वीरेंद्र वर्मा भी उनके साथ थे। हालांकि अभी तक उस पर कोई फैसला हुआ नहीं है। लोगों में ये चर्चा भी थी कि क्या इस गठबंधन के अंदर यानी कि जो जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, चौथी पार्टी का नाम था हरियाणा जनसेवक पार्टी, बलराज कुंडू की पार्टी। बलराज कुंडू महम के एमएलए, उनका नाम भी इसलिए था क्योंकि बलराज कुंडू समर्थन देने पहुँचे थे अभय सिंह चौटाला को कुरुक्षेत्र में जब अभय सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ज्यों ज्यों चुनाव नज़दीक आ रहा है वो सब कुछ यानी कि जो तीसरा मोर्चा बनाने की अभय सिंह चौटाला की कवायद थी, उस पर उनके प्रयास थे, वो धीरे धीरे साइड हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जेजेपी के साथ मिलने का चांस कम, बहुत कम है, क्योंकि दोनों गंगा जमुना की ऐसी धारा बन चुकी हैं जिनके तीर कभी मिलते नहीं। भले ही गंगा जमुना सरस्वती में जाकर के, प्रयागराज में जाकर के मिल जाती हों, लेकिन इनेलो और जसपा में बड़ी भारी दूरी है अभी तो। कम से कम आम आदमी पार्टी से समझौते की गुंजाइश वैसे बहुत कम हो चुकी है। अब अगली अगर बात करते हैं तो फिर एनसीपी, उसका भरोसा नहीं क्या होगा आगे कह नहीं सकते, लेकिन एक चौथी पार्टी जो हरियाणा जनसेवक पार्टी, बलराज कुंडू की पार्टी, उसके साथ समझौते की उम्मीदें अब सब टूट गई हैं। लगता है कि अब वो समझौते में ना आ पाए। कारण ये है कि बलराज कुंडू ने कल महम के अंदर एक सभा की थी और बलराज कुंडू ने ऐलान कर दिया कि वो महम से चुनाव लड़ेंगे वापस दोबारा, और उनकी धर्मपत्नी परमजीत कुंडू चुनाव लड़ेंगी जुलाना से, जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मान करके चलें कि अब गठबंधन के अंदर कुंडू साहब की पार्टी की कोई जगह नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ गठबंधन में जगह क्यों नहीं है और कुंडू साहब का राजनीतिक व्यक्तित्व क्या है। बलराज कुंडू 2014 से लगभग हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्होंने राजनीति शुरू की और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी उनके जो संबंध थे वो मनीष ग्रोवर के साथ बड़े मधुर संबंध रहे। 2019 में बलराज कुंडू को भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव मैदान में निर्दलीय कूद गए। निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद करके बलराज कुंडू विधायक बन गए।
विधायक बनने के कुछ दिन तक तो उन्होंने समर्थन दिया खट्टर साहब की सरकार को, मनोहर लाल सरकार को, बाद में वो समर्थन वापस ले लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और इधर विधानसभा के अंदर वो मनीष ग्रोवर और बीजेपी के खिलाफ बोलने शुरू हुए। बलराज कुंडू का व्यक्तित्व ये माना जाता है कि वो सोशल वर्क करते हुए, सामाजिक कार्य करते हुए वो राजनीति में आए और विधायक बने। विधायक बनने के बाद में जो मैंने आपको बताया, समर्थन दिया और फिर वापस लिया और उसके बाद में अपनी दुकान खोल दी, यानी कि अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी कर दी। आप इसको कोई अन्यथा ना लें दुकान खोलने को, क्योंकि राजनीतिक पार्टी को भी लोग दुकान कहने लगे हैं आजकल। खैर, अपनी उनकी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी दुकान शुरू हो गई और उसमें रहते हुए बलराज कुंडू हरियाणा भर में घूमने भी शुरू हुए। जुलाना में उनकी सभा भी हुई थी। जुलाना से उन्होंने ऐलान कर दिया अपनी पत्नी परमजीत कुंडू को चुनाव लड़वाने का। और जुलाना से अभय सिंह चौटाला का ऐलान है कि वो सुनैना चौटाला को चुनाव लड़वाएंगे। अब अगर ऐसी बात आ जाएगी कि जब सामने पहले ही कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाएगा तो फिर समझौते की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। मैंने इसलिए आपसे कहा कि समझौते की गुंजाइश कम है, समझौते गुंजाइश कम भी ना समझी जाए, उल्टा ख़त्म समझी जाए। दोस्तों, एक बात और भी थी कि बलराज कुंडू महम से आते हैं और महम के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के पास, अभय सिंह चौटाला के पास, वहाँ पर बाली पहलवान जैसे नेता भी हैं जो वहाँ से विधायक रहे हैं। और बाली पहलवान भी बताया जाता है इसी वजह से कुछ नाराज से चल रहे थे कि भाई बलराज कुंडू की पार्टी से समझौता हो जाएगा, बलराज कुंडू को महम का टिकट मिल जाएगा तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन अब लगता है कि बलराज कुंडू की पार्टी से समझौते की संभावना खत्म, पहली बात। अगर बलराज कुंडू की पार्टी से समझौता खत्म होगा तो फिर दूसरी बात ये हो जाएगी कि बाली पहलवान के लिए इनेलो में जगह कायम। और सबसे प्रमुख जो तीसरी बात वो ये कि हरियाणा के अंदर जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि वो तीसरा मोर्चा बनाएंगे बड़ा बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ, वो मोर्चा अब बनने की उम्मीदें कम। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर तीसरे मोर्चे की अब भी कोई गुंजाइश है? अगर तीसरा मोर्चा जिसके अंदर कि बीएसपी और आईएनएलडी हो चुके हैं, अगर कोई गुंजाइश, तो उसके अंदर और कौन सी पार्टियां जा सकती हैं? और सबसे प्रमुख बात कि क्या ये बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प बन पाएगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।